So now we have a question 3 of exercise 1.1. So over here it is given that an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members. Okay, so we have what? Hamare paas ek army contingent hai. Okay, is army contingent mein kitne members hai total? 616 members. Theek hai. अगेन हमारे पास क्या है, एक आर्मी बैंड है. इस आर्मी बैंड में हमारे पास टोटल कितने मेंबर्स है? 32. ओके, सो वी हैव 616 मेंबर्स इन आर्मी कंटिंजेंट एंड द आर्मी बैंड इज हैविंग 32 मेंबर्स. द टू ग्रुप्स, ओके, सो द टू ग्रुप्स, ओके, सो दिस वन इज द फर्स्ट ग्रुप एंड दिस वन इज द सेकेंड ग्रुप. ओके, सो द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. सो पर्टिकुलर ग्रुप्स को क्या है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मूव करना है. लेट अस सपोज मैंने क्या किया हुआ है, इनको नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है. ठीक है, हमने इनको क्या किया हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड कर दिया है. ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च. इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों ग्रुप्स को हमने मैक्सिमम, इन दोनों ग्रुप्स को कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे कितने मैक्सिमम कॉलम्स हैं जिसमें ये दोनों ग्रुप साथ में मार्च कर सकते हैं. सो वी हैव टू फाइंड दिस पर्टिकुलर. ठीक है, तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ कॉलम. सो हमको क्या फाइंड करना है, सपोज दिस इज अ फर्स्ट कॉलम, ओके, दिस वन इज अ सेकेंड कॉलम, लाइकवाइज हमारे पास कई सारे कॉलम आएंगे. सो ऐसे मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है जिसमें ये दोनों ग्रुप साथ में मार्च कर सके. तो अब अगर इसमें देखने वाली बात है, तो वो क्या है कि जो 616 मेंबर्स है, ठीक है, इनको भी आप क्या करोगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में डिवाइड करोगे जितना 32 मेंबर्स को आप डिवाइड करोगे. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि लेट अस सपोज यहाँ पे हमारे पास टोटल कुछ कॉलम्स है और उसी सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में आप बैंड को भी डिवाइड करोगे. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो नंबर कॉमन है वो क्या है, कॉलम कॉमन है, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो हम जानते हैं कि 616 एंड 32 इन दोनों नंबर्स में से हमको क्या करना है, एक कॉमन फैक्टर कैलकुलेट करना है. ठीक है, एंड वी हैव टू गिवन ओवर हियर व्हाट अ मैक्सिमम वैल्यू. सो तो हम जानते हैं, हमने एस सी एफ फाइंड किया हुआ है, एस सी एफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे हमारे को क्या है, मैक्सिमम गिवन है. इसका मतलब क्या हो गया, यू हैव टू फाइंड द एस सी एफ ऑफ 616 एंड 32. आपको समझ में आया क्यों एस सी एफ फाइंड करना है, क्योंकि इन दोनों को आपने कॉलम्स में डिवाइड किया और वो दोनों कॉलम्स कैसे हैं, दोनों ग्रुप्स में सेम है. ठीक है, इन दोनों ग्रुप्स में सेम है दोनों कॉलम, दैट्स व्हाई we have to find a SCF of this particular number. ठीक है, SCF find करने के लिए हम again Euclid's division algorithm का use करेंगे. तो हम जानते हैं कि जो भी बड़ा number है उसको हम A consider करते हैं, जो छोटा number है उसको B consider करते हैं. ठीक है, so सबसे पहले क्या होगा, हम इसको किस तरीके से represent करेंगे, 616 which is equals to 32. okay, so we have to divide 616 over here, so divide by 32. okay, so it is nothing but a 19 times of 608 over here, so we left up with a 8. okay, so 32 into or multiply 19 plus 8. okay, now the remainder is what, in this particular step the remainder is not equal to 0, so apply Euclid's division lemma between 32 and 8. okay, so again in dono mein se jo bada number kya hai wo 32 hai, so I represent it with a A and this is B. okay, so isko hum kya likh sakte hain, 32, now B is nothing but a 8, aur hum jante hain 32 divide by 8, so 8 4s are 32, so 4s are 32 plus remainder is 0 over here. okay,
तो जब भी हमारे पास रिमाइंडर जीरो हो जाता है, तो जो भी डिविजर की वैल्यू होती है, जैसा कि यहाँ डिविजर की वैल्यू 8 है, दिस डिविजर रिप्रेजेंट्स नथिंग बट अ एससीएफ वैल्यू. ओके, सो एससीएफ ऑफ 616 एंड 32 इज नथिंग बट अ 8. ओके, सो दिस इज द आंसर वी हैव फाइंड ओवर हियर. ओके, नाउ अगर आपको एग्जाम में आएगा तो आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से लिखोगे नहीं, ठीक है? यहाँ तक के स्टेप्स तो आप रिफर करोगे, बट आपको लास्ट में जो स्टेप लिखना है उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे. सो वी हैव गिवन ओवर हियर मैक्सिमम. ओके, तो आंसर हम कैसे लिखेंगे? सो मैक्सिमम ओके, सो हमको जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा. मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर्स एंड आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड इज 8. ओके, सो दिस इज द आंसर ओवर हियर. ओके, थैंक यू वेरी मच.